हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। रेबीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पाश्चर की डेथ एनिवर्सरी से हुई थी। लुई पाश्चर ने ही साल 1885 में पहली बार रेबीज की वैक्सीन को विकसित किया था। क्या है रेबीज? रेबीज संक्रमित जानवरों के लार से फैलने वाली बीमारी है जो कुत्तों, बंदरों और बिल्लियों के काटने पर इंसानों में फैलती है। आमतौर पर कुत्तों के काटने पर इंसानों में ये बीमारी फैलती है। जब कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन ना लगा हो और वो किसी इंसान को काट ले तो उस व्यक्ति को भी रेबीज का खतरा होता है, लेकिन रेबीज के खतरे को इंजेक्शन लगाकर फैलने से रोका जा सकता है। क्या है रेबीज का इलाज? रेबीज का कोई सीधा इलाज नहीं है, इसे फैलने से रोकने के लिए टीके लगवाने चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में हर साल 55,000 लोगों की मौत कुत्तों के काटने से हो जाती है।